देश में लोकसभा चुनाव होना है और इस बीच किसान सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। देश के अन्नदाता अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के बॉर्डरों पर कई दिनों से बैठे हुए हैं। वो दिल्ली कूच करने की तैयारी में हैं। किसानों का यह आंदोलन धीरे धीरे हिंसक होता जा रहा है। किसान MSP पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं, वहीं केंद्र सरकार और किसानों के बीच 4 राउंड की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन इसका अभी तक कोई हल नहीं निकल सका है। फिलहाल सरकार किसानों की मांग को मानने के मूड में नहीं दिख रही है। बता दें, 18 फरवरी को किसान नेताओं के साथ चौथे दौर की बैठक में केंद्र सरकार ने MSP पर नया प्रस्ताव दिया था, जिसमें कहा गया था कि 5 साल तक दाल, मक्का और कपास को MSP पर खरीदा जाएगा, लेकिन किसानों ने इसे नामंजूर कर दिया। बहरहाल आइए जानते हैं कि MSP पर ये बवाल क्यों है और देश के अन्नदाता आखिर एक बार फिर क्यों सड़कों पर उतर आए हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP। सरकार किसानों से फसल को खरीदने के लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है, या यूं कहें कि MSP में तय किया जाता है कि बाजार में किसानों की फसल किस दाम पर बिकेगी। दरअसल फसल की बुआई के दौरान ही फसलों की कीमत तय कर दी जाती है और यह तय कीमत से कम में बाजारों में नहीं बिकती है। MSP तय होने के बाद बाजार में फसलों की कीमत गिरने के बाद भी सरकार किसानों को तय कीमत पर ही फसलें खरीदती है। सरल शब्दों में कहें तो MSP का उद्देश्य फसल की कीमत में उतार चढ़ाव के बीच किसानों को नुकसान से बचाना है। वर्तमान में देश के किसानों से खरीदे जाने वाली 23 फसलों पर MSP लागू है। इन 23 फसलों में से 7 मोटा अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, धान, मक्का, गेहूं, जौ और रागी हैं। वहीं 5 दालें मूंग, अरहर, चना, उड़द और मसूर है। इसके अलावा 7 तिलहन, सोयाबीन, कुसुम, मूंगफली, तोरिया, सरसों, तिल, सूरजमुखी और नाइजर बीज हैं। इसके साथ ही 4 कमर्शियल फसलें जैसे कपास, खोपरा, गन्ना और कच्चा जूट है। तो चलिए अब जानते हैं आखिर कब लागू हुआ था MSP। 1960 के दशक में जब देश में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया था, तब MSP की व्यवस्था लागू की गई थी। धान पर पहली MSP 1964 से 65 में दी गई थी। वहीं गेहूं पर 1966 से 1967 पर MSP दी जा रही है। MSP पर किसानों की मांग इसलिए भी जायज है क्योंकि ये एक नीति है, कानून नहीं, और सरकार जब चाहे इसे बंद कर सकती है या रोक सकती है। चिंता की दूसरी बात ये भी है कि ज्यादातर किसानों की फसल की खरीद MSP पर होती ही नहीं है। किसानों को अपनी फसल MSP से कम कीमत पर बेचनी पड़ती है। ऐसे में किसानों के पास किसी अदालत में जाकर अपना हक मांगने का अधिकार भी नहीं है। इतना ही नहीं, अभी सरकार 23 फसलों के लिए MSP तय करती है, लेकिन मुख्य रूप से गेहूं और धान की खरीद ही होती है। अगर MSP पर कानून बन जाता है तो सरकार सभी फसलों को MSP पर खरीदने के लिए बाध्य हो जाएगी। कानून बनने का दूसरा बड़ा असर ये होगा कि अभी जो कॉरपोरेट घराने कम कीमत पर किसानों से फसलें खरीद लेते हैं, कानून बनने के बाद उन्हें ये MSP पर ही खरीदना होगा। चलिए अब जान लेते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की क्या सिफारिश है जिसे लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं।
करीब 60 साल से एमएसपी पर फसलों की खरीद की जा रही है, लेकिन अब तक इसे कानूनी शक्ल नहीं दी गई है। 2004 के आम चुनाव के बाद जब केंद्र में यूपीए की सरकार बनी तो नवंबर में एमएस स्वामीनाथन की अगुवाई में एक कमेटी बनी। कमेटी ने दिसंबर 2004 से अक्टूबर 2006 के बीच 6 रिपोर्ट सौंपी। इसमें एमएसपी को लेकर भी सिफारिश की गई थी। स्वामीनाथन आयोग ने किसानों को उनकी लागत का 50% यानी 1.5 गुना ज्यादा लाभ देने की सिफारिश की थी। रिपोर्ट आए 18 साल का वक्त गुजर गया है, लेकिन एमएसपी पर सिफारिशों को अब तक कानून ने लागू नहीं किया है। जबकि आज दिल्ली में किसानों के आंदोलन की बड़ी वजह एमएसपी ही है। बहरहाल देश में आगामी कुछ ही महीनों में लोकसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार किसानों की मांग मानती है या फिर कुछ बीच का रास्ता निकालती है। वैसे किसान भी वोटों की राजनीति को समझ चुके हैं और इस चुनावी माहौल में अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हर पल की खबरों के लिए हमारे हिट टीवी ऐप को डाउनलोड करें।